द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्द दिवाली आने वाली है, लेकिन इस दिवाली के जो दिए हैं उन दियों की रोशनी को जो है धीमा कर दिया है, या कह दिए कि उन दियों की रोशनियों को जो है वो पूरी तरह से बुझा दिया है योगी सरकार ने। जी हाँ 25,000 होमगार्ड्स के घरों की दिवाली को जो है वो सूना कर दिया है योगी सरकार ने, क्योंकि 25,000 होमगार्ड्स को जो है वो तत्काल प्रभाव से जो है वो उनको हटाने का फैसला लिया है। यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है कि 25,000 होमगार्ड्स को जो है उनकी ड्यूटी से बर्खास्त किया जाएगा। ये फैसला जो है 28 अगस्त 2019 की जो बैठक हुई थी प्रयागराज में, वहाँ ये फैसला ले लिया गया था कि अब हमें इनकी ड्यूटी जो है वो नहीं चाहिए। बताया जा रहा है कि जो बजट है, बजट का हवाला देते हुए जो है इनकी ड्यूटियों को जो है वो ख़त्म किया गया है। बजट का हवाला देते हुए जो है इनकी नौकरियों को जो है ख़त्म किया गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो इनको इनकी तनख्वाहें दे पाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो है वो इनका जो डेली वेतन था, जो डेली वेज थी, उसको बढ़ाने का निर्णय लिया था। उससे पहले इनको जो है वो 500 रुपये पर डे के मिलते थे, लेकिन अब जो है वो 672 रुपये इनको मिल रहे थे। लेकिन ये जो डेली वेज है सिर्फ इनको कुछ ही दिन इनको पेमेंट इस चीज़ का हुआ, और उसके बाद जो है सरकार ने ये फैसला ले लिया कि अब हमें 25,000 होमगार्डों की ज़रूरत नहीं है। 25,000 होमगार्डों की जो नौकरी हैं वो ख़त्म कर दी गई। आप सोच सकते हैं कि कितनी आसानी से एक फैसला ले दिया जाता है। हालांकि एक लाख होमगार्ड जो हैं वो लगभग जो हैं वो स्टेट में हैं, लेकिन हम इस बात को एहसास करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि उन 25,000 गार्ड्स को जिनको हटाया गया है कि उनका घर अब कैसे चलेगा। बहुत आसानी से फैसला ले लिया जाता है कि इतने लोगों को हटा दिया, देश की आर्थिक जो व्यवस्था है वो थोड़ी डगमगाई हुई है, इसलिए जो है इस तरह के जो है वो फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या कभी उनके घरों को आपने जाके देखा है? क्या कभी आपने देखा है कि उनके घर के चूल्हे जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? फिर आप जो है वो भारत के विकास की बात करते हैं, फिर आप अन्नपूर्णा योजना की बात करते हैं, फिर आप बात करते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो जब ऐसे आप नौकरियों से निकालेंगे तो फिर कैसे बढ़ेगा इंडिया? तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है।